देश में एक नया सी गुफा छोड़ा जा चुका है, वन नेशन वन इलेक्शन। सरकार ने ऐलान किया है कि अब एक साथ ही पूरे देश में चुनाव होंगे, यानी ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सबका चुनाव एक बार में ही निपट जाएगा। बड़ी हीरोपंती लगती है इस बात में, लेकिन सोच के देखिए कि क्या ये जुमला है या ये हकीकत है। आइए इसकी तफ्तीश करते हैं। अब पहले ये देख लीजिए कि सरकार चार राज्यों में चुनाव एक साथ कराने में कितनी असफल रही है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव एक साथ कराने का दावा तो बड़ा जोरदार था, पर हुआ क्या? चुनाव आयोग ने अलग अलग तारीख निकाल दी। जम्मू कश्मीर की 90 सीटें, हरियाणा में 90 सीटें, महाराष्ट्र में 288 सीटें और झारखंड में 81 सीटें, कुल मिला के 549 सीटों पर चुनाव थे और ये भी सरकार एक साथ नहीं करा सकी। आलोचक हंसते हुए कहते हैं कि जब सरकार 549 सीटों के चुनाव एक साथ नहीं करवा सकती है तो देश की 4120 विधानसभा सीटों के क्या हाल होगा। हरियाणा की 90 सीटें अपने आप में ही बड़ा सिरदर्द है। हरियाणा में जाट, गुज्जर, दलित और बाकी सभी जातियों का गणित मिलाकर ही चुनाव मैनेजमेंट का खेल जमता है और ऊपर से जम्मू कश्मीर की हालत तो ऐसी कि वहां हर दिन सुरक्षा का नया प्लान बनाना पड़ता है। अब महाराष्ट्र की ही देख लीजिए, जहां 288 सीटों के लिए पूरे राज्य में अलग अलग इलाके अलग अलग हिसाब से हैं। एक तरफ मुंबई की भीड़ भाड़ तो दूसरी तरफ विदर्भ का गुमनाम गाँव। यहाँ चुनाव करवाना वैसे ही सिरदर्द है। ऊपर से झारखंड की बात करें तो वहाँ के नक्सल प्रभावित इलाके में चुनावी ड्यूटी करना एक युद्ध लड़ने से कम नहीं है। आलोचक पूछते हैं कि जब चार राज्यों में ही इतनी मेहनत लगती है तो पूरे देश के लिए क्या करना होगा। हर राज्य का अपना मुद्दा, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना विकास का मॉडल है। यहाँ तो चुनावी मुद्दे भी बदलते रहते हैं, कहीं पर किसान का मुद्दा तो कहीं पर जाति का, और कहीं कहीं तो बस हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा का नारा ही चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि 543 लोकसभा सीटें, राज्यसभा की 245 सीटों और 4120 विधानसभा सीटों पे चुनाव एक बार में ही होंगे, यानी एक साथ 4908 सीटों का चुनाव। अब सोचिए, अगर चुनावी दंगल लगना है तो मतदाता कन्फ्यूज ना हो जाए कि किसे वोट देना है। एक तरफ प्रधान, दूसरी तरफ विधायक और तीसरी तरफ सांसद, और सब के बीच वोटर जो ये समझ नहीं पाएगा कि वोट किसे देना है। आलोचक कहते हैं कि सरकार को ये सब मजाक लगता है, जब हर राज्य में अपने मुद्दे हैं तब पूरे देश को एक साथ लाकर चुनाव कराना एक मजाक है। मानो कोई बच्चे का खेल हो, जैसे कि चलो भाई एक साथ सबकी बारी। आलोचक का कहना है कि सरकार के पास संस्थान तक नहीं है, अभी तो ईवीएम ही ठीक से काम नहीं करती और सरकार सोच रही है कि पूरे देश के चुनाव एक साथ करा लें। भैया, ये कोई टीवी शो का सेट नहीं है जहां लाइट्स, कैमरा और एक्शन बोलने पर सब कुछ ठीक से हो जाए। कितने ईवीएम चाहिए होंगे, कितने सुरक्षा बल को तैनात करना होगा और कितना चुनाव आयोग के अधिकारी लगेंगे, ये सब सरकार के बस की बात नहीं लगती है। आलोचक पूछते हैं कि सरकार इसकी तैयारी भी क्या करेगी और कैसे करेगी। जब पूरे देश के चुनाव एक साथ होंगे तब देश में कामकाज कैसे होगा? सड़कें जाम होंगी, स्कूल बंद होंगे, सरकारी दफ्तर ठप होंगे, सारे सरकारी कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी में लगा दिया जाएगा और देश ठप पड़ जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब वन नेशन वन लॉकडाउन। हर जगह चुनावी माहौल, हर जगह वोटिंग की कतारें। आलोचक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस फैसले से सबसे ज़्यादा परेशानी मतदाताओं को ही होगी। एक ही वोटिंग बूथ पे चार चार चुनाव एक साथ, पहले ये समझो कि किसे वोट देना है, फिर लाइन में खड़े रहो। सोचिए, एक बूथ पर प्रधान के लिए वोटिंग, फिर विधायक के लिए, फिर सांसद के लिए, अब मतदाता बेचारा किस मुद्दे पर वोट दे। जरा सोचिए, एक बूथ पर जब पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हो रहे हों तो बूथ मैनेजमेंट का क्या हाल होगा। फिर वो बूथ में मारामारी, झगड़े और तनाव का माहौल भी देख लीजिए। आलोचक ये भी कहते हैं कि सरकार को पहले चार राज्यों के चुनाव एक साथ कराने चाहिए थे, तब समझ आता कि पूरे देश के चुनाव कैसे होंगे। अभी तो ये भी देखना बाकी है कि सरकार
खुद ही अपने फैसले पर कितना कंफ्यूज रहेगी। सरकार को पहले जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव एक साथ कराने चाहिए थे। इससे कम से कम ये तो साबित होता कि सरकार अपने वादे पूरे कर सकती है या नहीं, मगर अभी तक तो यही लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन बस एक नया जुमला है जो कि हकीकत से कोसों दूर है। तो भैया, जब सरकार चार राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करवा सकती तो पूरे देश के चुनाव की बात करना तो एक सपना ही है। आलोचक सही कहते हैं कि सरकार का वन नेशन वन इलेक्शन असल में वन नेशन वन कन्फ्यूजन है। सरकार को पहले छोटे कदम उठाने चाहिए, फिर समझना चाहिए कि चुनाव का ये खेल कोई मजाक नहीं है, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि जनता सरकार से पूछेगी कि ये कौन सा इलेक्शन हो रहा है और इसमें हम क्या कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।